हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है पुष्पा की रसोई में। आज हम बनाने जा रहे हैं मसाले वाली चाय। मसाले वाली चाय बनाने के लिए हमने यहाँ पे कुछ सामान लिया है, जैसे अदरक और छोटी इलायची, लौंग और काली मिर्च और 2 कप चाय के हिसाब से दूध। यहाँ पर हमने थोड़ा सा पानी लिया है और इस पानी को गर्म होने देते हैं। अब हम 2 कप चाय के हिसाब से यहाँ पर दूध डालते हैं। और इसे गर्म होने देते हैं। यहाँ पर हम चाय पत्ती डाल रहे हैं। यहाँ पर हम अपना मसाला रेडी कर रहे हैं। ये हमारा मसाला एकदम रेडी हो गया है। अब हम अपने मसाले को चाय में डालते हैं और अदरक भी डालते हैं। अब हम चीनी डालते हैं। ये देखिए, हमारा चाय एकदम पक के अच्छे से रेडी हो गया है। अब हम इसे कप में निकाल लेते हैं। यहाँ पर हम कुल्हड़ वाला टेस्ट लाने के लिए इसको उलट पलट रहे हैं। अब हम इसे कप में डालते हैं। अब ये दूसरे कप में डाल रहे हैं। देखिए गाइस, हमारी कुल्हड़ वाली चाय रेडी हो गई है। हमारे पास कुल्हड़ नहीं है, बट हमारे पास ये कप है। और प्लीज गाइस, आप भी इस रेसिपी को फॉलो करिए और बारिश के मौसम में इस चाय का लुत्फ़ उठाइए। प्लीज गाइस, मेरे चैनल को सपोर्ट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू गाइस, बाय।